तेज रफ्तार वाहन चलाना एक कार सवार को महंगा पड़ गया। खबर झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां मेडिकल कॉलेज के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी कानपुर पर एक तेज रफ्तार इको कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। इस घटना में कार में सवार करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों और पुलिस की मदद से कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल के साथ कार्यवाही में जुट गई है। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को जय सियाराम। सनातन सांस्कृतिक संघ की ओर से मैं हरिप्रिया भार्गव आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि रोशनी और प्रेम से समस्त संसार के अंधकार और नफरत को मिटाया जा सकता है। सनातन सांस्कृतिक संघ के 3 मूल सिद्धांत हैं, शांति, श्रद्धा और शौर्य, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि सभी वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख, इन सभी धर्मों को सारे भेदभावों को भुलाकर एक साथ लाना, ताकि समस्त संसार में धार्मिक मूल्यों का, भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके। जिस प्रकार दीपावली हमारे जीवन को रोशनी और प्रेम से भर देती है, उसी प्रकार सनातन सांस्कृतिक संघ भी प्रयासरत है कि समाज में एकता, प्रेम, सौहार्द का प्रकाश बना रहे और हमेशा बढ़ता रहे। तो आइए इस बार हम प्रण करते हैं कि हम सभी सनातनी हिंदू बहन भाई अपने सभी प्रकार के जाति के भेदभाव को भुला करके, भाषा के भेदभाव को भुला करके, एक साथ एकजुट होकर इस दीपावली के पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और इस बार हम अपने और अपनों के मन को रोशनी और प्रेम से भर देंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शुभ दीपावली।